Section 35-36, the minister replied to it. My basic submission to him is that the Supreme Court in V.J. Roe said that without judicial review, you cannot call anyone unlawful. You are violating the Supreme Court judgment. इसलिए कह रहा हूं सर कि आप रिव्यू कमेटी तो आप बनाएंगे ना, सरकार बनाएगी, उसमें इंडिपेंडेंस कहां, एग्जीक्यूटिव बनाएगी. तो ये दो. और तीसरा सवाल सर, मैं सर क्लैरिफिकेशन है, हमने इस मुल्क में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को साइन किया, रेटिफाई किया, और वो कहता है कि बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में, आप बताइए क्या ये वॉयलेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 का, 1535 का? ये तो और अगर आप स्टेट का ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस हुआ तो खत्म करिए उसको. आप तो फेडरलिज्म को बचाना आपका काम है. माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्री, ओवैसी साहब ने दो तरह से मुद्दे उठाए. एक ओर से वो कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं, और बेल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कोट करते हैं. भला आप क्या करना चाहते हो? आप मुझे सुनिए ना साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती. मैं जवाब देता हूं, मुझे नहीं सुनेंगे? माननीय सदस्य प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती. माननीय सदस्य प्लीज बैठिए. माननीय सदस्य, मैंने आपको पूरा मौका दिया.